दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग BTSC के रिगार्डिंग बड़ी अपडेट्स जानने वाले हैं, साथ ही ANM की जो रिजल्ट है उसके रिगार्डिंग भी हम लोग इस वीडियो में अपडेट जानेंगे। जैसे कि 8/2022 वाली जो विज्ञापन संख्या है उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। BTSC के द्वारा इनका रिजल्ट प्रकाशित हो चुका है, सारा कैंडिडेट का लिस्ट में नाम भी आ चुका है और उसकी जो कटअप है वो भी दे दिया गया है। तो जो भी पुरानी वैकेंसी है, जो पुरानी वैकेंसी है 22 का वैकेंसी है, उन सारे वैकेंसी को BTSC एक एक करके क्लियर कर रही है। तो जैसे कि 8/2022 की जो विज्ञापन संख्या है उनका रिजल्ट आ चुका है, वो रिजल्ट हम लिस्ट भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो जबकि जो कि कल के डेट में ही जारी कर दिया गया है और आपको BTSC की ऑफिशियली वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। वही यदि हम ANM की बात करें जिनकी विज्ञापन संख्या 7/2022 है, तो सारे कैंडिडेट के मन में है कि जब इनका रिजल्ट आ गया है तो ANM वाले का कहना है कि मेरा रिजल्ट क्यों नहीं अब तक आ रहा है, क्योंकि इनका भी स्क्रूटनी सारा कुछ हो चुका है और इनकी जो बहाली की जो प्रक्रिया है वो रुका हुआ है। जैसे कि ANM का अभी सारा अपडेट की बात करें तो लगभग 11 दिनों से इसका धरना प्रदर्शन भी चल रहा है, लेकिन अभी तक आयोग के द्वारा जो रिजल्ट को लेकर, काउंसलिंग को लेकर कोई भी अपडेट नहीं दिया गया। वही यदि हम बात करें यदि 8/2022 वाली विज्ञापन संख्या की, ये रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो 8/2022 वाली जो विज्ञापन संख्या है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इनकी जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। और जो ANM कर्मी है उनका कहना है कि हम लोगों का कब तक रिजल्ट आएंगे, जैसे कि कल तीज के पर्व के बावजूद भी ये लोग धरना प्रदर्शन दिया है, आज भी हम सारी अपडेट जो धरना की रिगार्डिंग होंगे वो सारी अपडेट हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ हुआ आज के धरने में, कितने आदमी पहुँचे हुए थे। तो BTSC कहीं ना कहीं जो भी वैकेंसी बचा हुआ है उन सारे का रिजल्ट एक एक करके जारी कर रहा है। जैसे कि आप लोग के साथ एक्सरे EGC का भी बचा हुआ था, तो उसका भी डेट बोल दिया गया है कि अक्टूबर तक में रिजल्ट आ जाएगा, जैसे कि आयोग के द्वारा बोले गए हैं। तो BTSC ANM को लेकर भी आप लोगों को जल्द अपडेट देखने को मिलेंगे, बहाली प्रक्रिया की जो आगे अभी नहीं बढ़ रही है उनको लेकर कि किस तरीके से इनकी बहाली के प्रोसेस आगे कंटिन्यू किए जाएंगे। जैसे कि इनका जो रिज़ल्ट तो फाइनली अब दे ही दिया गया है, जैसे कि कटअप भी इनका सारा कुछ दे दिया गया है, जो कि कटअप चयनित अभ्यर्थी का नाम आ चुका है। तो इस तरीके से आप लोगों का भी जल्द कुछ अपडेट आयोग के द्वारा देखने को मिलेंगे और आज क्या कुछ होंगे, कितने अभ्यर्थी गर्दनी बाग में पहुंच रहे हैं, क्या रिपोर्ट होंगे, वो सारी जानकारी आपको शाम तक अपडेट में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो भी अपडेट रहता है, जैसे कि इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी का था कि किनका रिजल्ट आए हैं, तो ये रिजल्ट जो कि प्राचार्य पार्श्विक नियुक्ति को लेकर है, तो इनकी विज्ञापन संख्या 8/2022 है और आप लोग जो ANM कर्मी हैं उनका 7/2022 है। तो आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करिए, देखिए आयोग आप लोगों को क्या सरप्राइज़ देती है, कैसे आप लोगों के बहाली के प्रोसेस करती है, उनको उनके लेकर आयोग ही निश्चय करेंगे और आयोग के द्वारा ही उसका जो नोटिस है या रिजल्ट है वो जारी किए जाएंगे। तो जल्द आप लोगों को भी अपडेट देखने को मिलेंगे। तो जिस तरीके से इन सब का एक एक करके रिजल्ट आ रहे हैं, तो आप लोग का भी बहाली की जो प्रक्रिया है अभी रुका हुआ है वो भी आप लोगों को आगे देखने को मिलेंगे। इस तरीके से जुड़े जो भी अपडेट आता है BTSC के रिगार्डिंग, सारी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, जिससे कि आप कोई भी वीडियो अपलोड करें तो वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू।